हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी वीडियो में टैग कहाँ से और कैसे डालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिन टैग के बारे में आपको बताऊँगा वो काफ़ी अच्छे टैग हैं, जिससे कि आपकी वीडियो पर, अगर आपका चैनल न्यू भी है, लगभग एक दो दिन, एक महीने दो महीने, मतलब कि जितना भी पुराना आपका चैनल हो या नया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अगर टैग कंटिन्यू डालते रहेंगे तो आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे से चलने लगेगी और काफ़ी सारे व्यू भी आने ही लगेंगे। तो जिन टैग की मैं आज बात करने वाला हूँ, आपने शायद कहीं सुना हो या देखा हो, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस टैग के बारे में आपको बताया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ही यूट्यूब में चले जाना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टैग जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है उस टॉपिक को सर्च करें। जैसे मेरा ये टॉपिक है, एक सेकंड, मेरा टैग मेरा है, मुझे डालने इस वीडियो में लो साइज इमेज, तो ठीक है मैं इसको ही सर्च करूँगा। अभी हमें डायरेक्टली यूट्यूब में चले जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ लो साइज इमेज, या फिर ऐसे सर्च करते हैं, मतलब उससे मिलते जुलते ही बनने, इस पे मेरे ज़्यादा टैग नहीं निकल रहे, तो ठीक है कोई नहीं। जैसे मेरा फोटो को HD कैसे बनाए, ठीक है, तो इतना मैंने फ़ोटो HD कैसे बनाए, फ़ोटो HD एडिटर, फ़ोटो HD वीडियो, मतलब कि मेरी जो है वो HD के ऊपर ही है, कि मतलब मेरी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अपने फ़ोटो को HD कैसे बनाएं, मतलब कि लो फोटो को HD फ़ोटो कैसे बनाएं, ठीक है। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीन टेक्स्ट कॉपी, ठीक है। इतना हम सर्च करेंगे तो हमें ये वाला ऐप्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमें डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, अपडेट मांग रहा है, बट मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अपडेट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना सा सर्च किया, वो मैंने ऐप्स उसको डाउनलोड करके रख लिया है, आपको भी इसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें इस स्क्रीन शॉट को सेंड कर देना है, सेंड करना है हमें इसी में जो हमने स्क्रीन टेक्स्ट कॉपी किया था डाउनलोड, उसको हमें सेंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमने सर्च किया था उसे छोड़ के नीचे के जितने भी टैग हैं उन सबको इस बॉक्स के अंदर कर लेना है, मतलब कि इतने टाइप उसी टाइप से इस बॉक्स को बड़ा कर लेना है जिसमें ये टैग्स काफ़ी जितने भी हैं सारे आ जाएँ आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट कर देना है इसको, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको ओके कर देना है, और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर इन टैग्स को एडिट कर देना है। तो एक सेकंड, यहाँ पे जैसे ही आप एडिट करेंगे तो ये देख सकते हैं फोटो HD कैसे बनाए, और उसके बाद यहाँ पे ये टैग ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको ये वाला मार्क लगा देना, ठीक है, ये ध्यान रखें कि यही वाला मार्क होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर भी लगा देना इस टाइप से, मतलब कि जहाँ टैग ख़त्म होता हो वहीं पर ये मार्क लगा देना है, ठीक है। तो मैंने ये मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे टैग मार्क हो गए हैं, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको कॉपी करना है, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिए। उसके बाद आपको अपनी वीडियो में चले जाना है, और वीडियो मैनेजर में चले जाना है, क्रोम में अपना चैनल खोल के अपने वीडियो मैनेजर में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टैग डाल रखे हैं, ठीक है, डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो टैग डाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने कॉपी किया था उसको ही हमें यहाँ पे स्टेप से पेस्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो जितने भी टैग कॉपी किए थे वो अलग अलग ऑटोमेटिक शेव हो गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर शेव कर देना है। तो देखिए, यहाँ से नीचे से शेव करेंगे और यहाँ से All changes have been saved,
मतलब कि मेरे टैग सेव हो चुके हैं, उसके बाद मुझे यहाँ से बैक चले जाना है और मेरी वीडियो में टैग डाल गए। अगर आप यहाँ पे क्रोम से आके नहीं डालना चाहते हैं टैग, तो कोई नहीं, आप यहाँ पे अपने वाइट स्टूडियो में जाके कर सकते हैं। वाइट स्टूडियो तो जिसका चैनल है उसके पास होता ही है। अपने सिंपल आपको वाइट स्टूडियो पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो में जाना है और यहाँ पर आपको एक पैन का निशान मिल जाएगा देखने के लिए। उस पैन के निशान पर ओके करके यहाँ पे आके भी उन टैग को, ये देख सकते हैं टैग, यहाँ पे आके भी उन टैग टैग्स को पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ही आप अपनी वीडियो में टैग डालें, जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे से रैंकिंग करने लगेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।